हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है तो कैसे कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या मैनेज ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है। और अब ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर शो सिस्टम या शो ऑल ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। देखिए जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं यहाँ पर आ जाएंगे। अब नीचे आकर ब्लूटूथ को खोजना है तो यहाँ पर ब्लूटूथ मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो अब हम बैक आते हैं। आप चाहें तो ऊपर आकर सर्च बार में क्लिक करके ब्लूटूथ लिखेंगे तो ब्लूटूथ आ जाएगा, आप यहाँ से भी क्लियर डाटा कर सकते हैं। इतना कर लेने के बाद अब होम स्क्रीन पर आना है। अब अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट या रिबूट करना है। कैसे करेंगे? देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट या रिबूट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। तो इतना कर लेने के बाद अब ब्लूटूथ को कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। तो ब्लूटूथ हमने ऑन कर दिया है, यहाँ पर देखिए नाम आ चुका है, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो गया, इस तरह आपका भी सही हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।